हाय फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि यूट्यूब पे नया चैनल कैसे बनाते हैं। यूट्यूब पे नया चैनल बनाने से पहले आपके पास में अपना एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक गूगल अकाउंट आपके पास नहीं है आप अपना यूट्यूब पे नया चैनल नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। गूगल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे www.youtube.com या सिर्फ youtube.com लिख के एंटर करेंगे। उसके बाद में ऊपर दाहिनी तरफ साइन इन पे क्लिक करेंगे और अपना ईमेल, जो भी आपका गूगल का अकाउंट है, वो ईमेल यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अपने ईमेल का पासवर्ड, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर ऊपर दाहिनी तरफ एक आइकन नज़र आएगा, उस आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक जैसे ही हम करेंगे, इस तरह से विंडो खुलेगी और उस पर लिखा रहेगा क्रिएटर चैनल। क्रिएटर चैनल पे क्लिक करेंगे, यूज़ यूट्यूब एज, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो पहले नाम में जो चैनल का फर्स्ट नेम है और दूसरे नाम में चैनल का जो सेकेंड नेम है वो एंटर करेंगे। इसके बाद क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे नो वीडियोज़ वेयर फाउंड लिख करके आ रहा है, और यहाँ राइट साइड में ऊपर आइकन पे जो एफ आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी सेटिंग्स है वो नज़र आएगी। और चैनल पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टेटस एंड फीचर पर क्लिक करेंगे तो हमें अपने चैनल की सारी डिटेल, कॉपीराइट स्टेटस, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्टेटस, यानी कोई भी स्ट्राइक है या कुछ, तो वो यहाँ पे डिटेल्स नज़र आती है। फिर हम चैनल आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमाइज चैनल पे, यहाँ से हम देखेंगे चैनल आर्ट, यहाँ राइट साइड में क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं। जो भी चैनल आर्ट हम पहले से बनाए हुए हैं यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं और सेलेक्ट करके अपने चैनल आर्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चैनल आइकन को हम चेंज कर सकते हैं अपने। यहाँ पे जैसे ही ओके या एडिट पे क्लिक करते हैं, इस तरह की विंडो खुल के आएगी। हम यहाँ से अपने चैनल नाम को या फिर चैनल के आइकन को एडिट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं, चैनल हमने क्यों बनाया, इस चैनल पे किस तरह के मतलब कंटेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम बहुत सी सेटिंग्स हमें दिख जाएगी। प्राइवेसी सेटिंग्स है और कस्टमाइज करने के लिए सेटिंग है। यहाँ से हम अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से पब्लिक सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो खुल के आएगी। हम यहाँ से अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी वीडियो हम अपलोड करना चाहते हैं। अब जो हमारी वीडियो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है।
यहाँ से हम जो है एडवांस सेटिंग में जा कर के अपने कैटेगरी जो चैनल की कैटेगरी है या फिर इस वीडियो की जो स्पेशली कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से वीडियो की जो लैंग्वेज है हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे रिकॉर्डिंग डेट है, फिर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी वीडियो की टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग को लिख करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से जो हमारी वीडियो है वो पब्लिश हो चुकी है यूट्यूब पर। फिर हम यूट्यूब पर जाएंगे, माय चैनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वीडियोस पे देखेंगे कि जो वीडियो हम अपलोड किए थे वो अपलोड हो चुकी है और जो भी डिस्क्रिप्शन या अपने चैनल का हम लिखे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।